हेलो फ्रेंड, दिस कुशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है हमारा, जो कंप्यूटर जो फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, तो उसका जो कलर जो चैप्टर है उसका एकदम फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें आज हम आप लोगों को सिखाएंगे, जैसे कि कलर के ऊपर हम सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग तो जानते हैं जो फैशन डिजाइनिंग में जो मैनुअली जो होता है, जो जब हम लोग इलस्ट्रेशन करते हैं और जब कलर चैप्टर हम लोग सीखते हैं, तो उस वक्त जो मैनुअली जो कलर होता है, तो मैनुअली थोड़ा सा अलग होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, ये है हमारा मैनुअल प्राइमरी कलर। और आप लोग देखते हैं हमारे चैनल में जो फैब्रिक का भी मैंने कोर्स दिया था, उसके अंदर भी मैंने बहुत कुछ दिया है। तो इसका जो कलर व्हील होता है वो तैयार करके दिखा है, मगर जो कंप्यूटर में जो कोर्स है, हम लोग जो कुछ करेंगे सब कंप्यूटर में करेंगे। और जो फोटोशॉप और जो कुरेल ड्रॉ और जो हमारा जो पेंट जो सॉफ्टवेयर है, उसमें हम जिस तरीके से कंप्यूटर में इलस्ट्रेशन करेंगे, तो उस बार जो मिक्सिंग कुछ अलग कलर होता है, बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो मैनुअली जो प्राइमरी कलर होता है वो हम लोगों को नहीं चाहिए। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए ना। आप लोगों के सामने कोई भी अगर उस तरह मैनुअली करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होंगे, मगर आपको नॉलेज चाहिए। तो देखिए, जो मैनुअली जो कलर होता है, तो उसमें हम लोगों को जो हम लोग पेंट करते हैं, मानिए जैसे कि हम लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं, कुछ ड्राइंग वगैरह करते हैं, कुछ भी हो, तो उसमें जो कलर होता है आर और उसके बाद बी और आप लोग वाई बोल सकते हो। अदरवाइज मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ जो रेड जो होता है वो रेड होता है क्रिम्सन, और दूसरी जो होता है फ्रेंड वो होता है प्रशियन ब्लू, उसके बाद होता है गोल्डन येलो। तो ये तीनों है प्राइमरी कलर। तो ये तीनों कलर कोई भी कलर मिक्सिंग करके आप लोग नहीं तैयार कर सकते। ओके, डायरेक्टली आप लोगों को लेना पड़ेगा, नेचर से हम लोगों को ये कलर मिलता है। उसके बाद मिक्सिंग करने से आता है फ्रेंड जो ऑरेंज, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए, जो ये कलर ऊपर में जो कलर है, ये कलर और ये वाला जो कलर है, ये मिक्सिंग करके आ रहा है फ्रेंड, ये वाला कलर आ रहा है। ये देखिए, ऑरेंज कलर आ रहा है। तो इसी तरह एक चार्ट है, जैसे कि इस जगह से जब हम लोगों को मानिए सर्कल है, इस जगह में सर्कल है, इस जगह में सर्कल है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ये सर्किल अगर होता क्या है या फिर होती क्या है ये, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपके इधर जो कलर है वो रेड का है, यानी कि क्रिम्सन। मैं मैनुअल फ्रेंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में मैंने कंप्यूटर जो कलर है उसका भी मैंने एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद इस जगह में होता है येलो, इस जगह में होता है ब्लू, तो क्रिम्सन, प्रशियन ब्लू एंड गोल्डन येलो। देखिए, प्रशियन ब्लू हम लोगों को जानना है, जो मैनुअली हम लोग जो पेंटिंग करते हैं, तो उसमें हम लोगों को जानना है कौन सा कलर, यानी कि रेड बोलेंगे तो कौन सा रेड आप लोगों को चाहिए, यानी कि रेड बोलेंगे तो वर्मिलियन अगर आप लोग करेंगे तो फ्रेंड वो यानी कि हमारे नेचर से आया हुआ जो यानी कि क्रिम्सन कलर नहीं होगा। क्रिम्सन मीन्स फ्रेंड एकदम मैक्सिमम जो रेड होता है वो होता है, ब्लू मैक्सिमम जो ब्लू और येलो मैक्सिमम जो येलो होता है। उसमें देखिए, आप लोगों को येलो बोले थोड़ा सा येलो के अंदर देखिए एक टाइप का येलो होता है जो क्रोम येलो हम लोग बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा ग्रीनिश रहता है। इसी तरह थोड़ा सा और गोल्डन येलो देकर और उसके साथ थोड़ा सा ग्रीन देकर भी एक टाइप का येलो बनता है, थोड़ा सा डार्कनेस वाला बहुत सारा येलो स्टाइल होता है। तो हम लोगों को वो सब मतलब नहीं है, प्राइमरी जो कलर है उसमें हम लोगों को जानना है क्रिम्सन, प्रशियन ब्लू, गोल्डन येलो। और उसके बाद हम लोग जो मैनुअली पेंटिंग करेंगे तो उसमें अलग अलग कलर का नाम होता है, जैसे कि वीडियन रेड होता है, प्रशियन ब्लू, मैजेंटा ब्लू का भी वैरायटी टाइप शेड होता है, तो इसी तरह बहुत कुछ होता है। तो ये होता है हमारा प्राइमरी रेड, प्रशियन ब्लू, गोल्डन येलो। और जो सेकेंडरी जो कलर होता है वो हम लोगों को वो कलर, ये देखिए रेड और जो ब्लू मिक्सिंग करने के बाद ये वायलेट आ रहा है, ओके। उसके बाद ब्लू एंड येलो मिक्सिंग करने से ये ग्रीन होता है, और रेड एंड येलो मिक्सिंग करने से ऑरेंज होता है, ओके फ्रेंड। तो इसी तरह हम लोगों को फर्स्ट जो कलर होता है वो हम लोगों को पता है, सेकेंड कलर भी आया है,
और लास्ट हमारा और 6 कलर चाहिए, यानी कि 12 कलर मिला के हमारा कलर व्हील बनता है। ओके, तो देखिए कलर व्हील एक चार्ट मैंने आप लोगों को दिखा रहा है, ये है हमारा। ऐसे देखिए जो प्राइमरी जो कलर होता है ये देखिए, तो जो कलर हम लोग मिक्सिंग कर रहा है, जो टर्टियरी कलर हम लोग किस यानी कि थर्ड जो कलर होता है, जो कलर हम लोगों को मिला है, मानिए हम लोगों को जो कलर मिला है वो है एक ग्रीन मिला है, एक वायलेट मिला है और एक ऑरेंज मिला है। ओके, तो वो कलर के साथ दोनों कलर यानी कि ये देखिए थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ। ये देखिए मानिए जैसे कि हम लोगों को वायलेट और इसमें जो ग्रीन और जो ऑरेंज इस जगह में मिला है फ्रेंड, तो इसके साथ यानी कि जो वायलेट मिला है, वायलेट के साथ थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा प्रशन भी अलग अलग, तो वही तरीका इस जगह में हम लोग अलग अलग क्या है। ये देखिए वायलेट के साथ यानी कि वायलेट जो कलर है वो किस तरीका से मिक्सिंग हुआ है, कौन सी दो कलर से मिक्सिंग हुआ है, एक प्रशन ब्लू और एक रेड क्रिम्सन। तो क्रिम्सन के साथ वायलेट और प्रशन ब्लू के साथ वायलेट, तो इस क्या होगा, एक बनता है फ्रेंड रेड वायलेट और दूसरी बनेगा प्रशन ब्लू वायलेट, हम लोग बोल सकते हैं। और सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं लाइट वायलेट और डीप वायलेट, हर एक कलर का दो टाइप का शेड इस जगह में आप लोगों को मिलेगा। तो ये होता है टर्टियरी कलर, और सेकेंडरी जो कलर होता है वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी मैंने बोला है 3 कलर सेकेंडरी कलर है, तो इसी तरह कलर व्हील बनता है यानी कि 12 कलर का एक शेड बनता है, ये मैनुअली होता है। और उसके बाद हम जाएंगे ये वाला कलर, तो देखिए फर्स्ट मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत लोग हैं जो बहुत यानी कि चाइल्डहुड से वो लोग सीख रहे हैं कलर। तो आप लोग जब कंप्यूटर में काम करने के लिए बैठेंगे तो फ्रेंड आप लोगों को दूसरी कलर मिलेगा, तो वो गलत है क्या, नहीं गलत नहीं है, ये अलग है ठीक है। तो ये हम लोगों को सीखनी है, तो हम लोगों को जो कलर है, एक हम लोगों को कंप्यूटर में एक RGB कलर होता है और दूसरी है CMY के, तो बाद में आता है मिक्सिंग करने के, मगर हम लोग बोलेंगे CMY और RGB कलर। RGB कलर फ्रेंड जो स्क्रीन बेस होता है, मानिए आप कंप्यूटर में जो कलर देखते हैं वेबसाइट वगैरह कुछ भी हो जो डिजिटलाइज होता है वो RGB होता है, और CMY प्रिंट यानी कि फिजिकली कुछ प्रिंट वगैरह है, प्रिंट न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी हम प्रिंट करें तो उसमें ये कलर सेटअप होता है। ओके, ये बेसिकली हम पिगमेंट कलर भी आप लोग बोल सकते हो, और ये स्क्रीन कलर। ओके, तो देखिए हम लोगों को करना है क्या, हम लोगों को फैशन डिजाइनिंग सीखनी है, और उसके लिए हम लोगों को जितना जरूरी है उतना ही करेंगे, इसका हिस्ट्री बहुत बड़ा है, मगर मैंने एकदम सिंपल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड फर्स्ट जो आप लोगों ने सीखा है उसमें अलग था, क्रिम्सन प्रशियन ब्लू गोल्डन येलो था, मगर इसमें RGB यानी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू, और जो हमारा इस जगह में जो है CMY के सियान, ये कलर को हम सीएन बोल रहे हैं, ये देखिए इसे हम सियान बोल रहे हैं इस कलर को। ओके, और इसे हम एम का मतलब है, इसे हम बोलते हैं मैजेंटा इस कलर को। ओके, और उसके बाद ये होता है हमारा येलो कलर, ये वाला हिस्सा। ओके, इसे हम येलो बोल रहे हैं। तो अब देखिए पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया उसी तरह ही है, तो ये देखिए RGB बेसिकली एक लाइट बेस कलर होता है, तो इसमें क्या होता है देखिए सेम तरीका है, इसलिए मैंने वो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उससे मैंने आप लोगों को बताया जो मैनुअली हम लोग मिक्सिंग करते, देखिए उसमें इसमें थोड़ा सा अलग होगा। आप लोगों को मानिए ये जो सर्कल है रेड का सर्कल है, और ये ग्रीन का सर्कल है, और ये ब्लू का सर्कल, तो रेड एंड ग्रीन हम मिक्सिंग करेंगे तो इसमें येलो आएगा, बहुत ही अलग। अब वो जो चैप्टर है, तो जो लोग कंप्यूटर से इंटरेस्ट यानी कि कंप्यूटर फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कलर साइंस, कलर हिस्ट्री, कलर फिलोसफी जितना कुछ हम समझाएंगे सभी कंप्यूटर में ही समझाएंगे। तो और इसका आगे जैसे कि हम फोटोशॉप, और जैसे कि चलिए हमारा थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों को दिखा दूँ, उसमें तो फ्रेंड जो कंप्यूटर जो मैंने कोर्स करवा रहा हूँ
तो वो किस तरीका से है थोड़ा सा दिखा दो। देखिए फ्रेंड, मैं इसमें मैंने बहुत कुछ रखा हूँ, जैसे कि कंप्यूटर में बेसिक ऑपरेटिंग एंड फंडामेंटल। तो इसमें जो हम लोग फैशन डिजाइनिंग सीखेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही लेंगे। तो इसलिए जिन लोगों को सीखनी है तो आप सीख सकते हो, मैंने ऑपरेटिंग और फंडामेंटल का सारा दे दिया। अदरवाइज आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखकर आप लोग ये कंप्यूटर का बेसिक वगैरह आप लोग सीख सकते हो, फोटोशॉप वगैरह आप लोग सीख सकते हो, कोरल ड्रॉ वगैरह ये सब सीख सकते हो। यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर होता है जो एकदम बेसिक है, आप लोगों को उसका नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो, अदरवाइज हमारे पास भी इधर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसी से सीख सकते हो। ओके, ऑल सेटअप अप फॉर कोर्स, यानी कि कोर्स करने के लिए फ्रेंड हम लोगों को कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे, उसके नॉलेज भी हम इससे आप लोगों को दे रहे हैं। और साथ ही साथ वीडियो कोर्स, यानी कि हम लोग एडिटिंग भी सीखेंगे, जो एडोब प्रीमियर है और साथ ही साथ फिल्मोरा है, इसी तरह हम सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे, और कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस पावर पॉइंट और वेबसाइट मेकिंग। तो फ्रेंड हम लोगों को जो फैशन डिजाइनिंग करना है जो कोर्स में, इसके थोड़ा सा अलग से मैंने कुछ इंक्लूड कर दिया है, ताकि इसमें आप लोग वेब डिज़ाइन वाला कुछ काम वगैरह कर सकते हो, किसी कंपनी में आप लोग इलस्ट्रेशन का काम कर सकते हो, ड्राइंग का काम कर सकते हो, फोटोशॉप का काम कर सकते हो, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन का भी आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। और पैटर्न मेकिंग तो आप कर ही सकते हो, और साथ ही साथ ये बेसिक करने के बाद हम लोगों को जानना है पैटर्न मेकिंग, कलर इलस्ट्रेशन, ड्रेस डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, फैशन रैम शो प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो मूड बोर्ड। इसी तरह मैंने बहुत कुछ इसके अंदर रखा है फ्रेंड, बहुत सारे एक्स्ट्रा कोर्स भी रखा है, इंटरनेट किस तरीके से चलाना है, मोजिला फायरफॉक्स किस तरीके से सेटअप करना होता है, यानी कि A to Z। और ये सिर्फ आप लोगों को फैशन डिजाइनिंग का जॉब नहीं है फ्रेंड, और भी बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो ये जैसे कि ये कोर्स को सीखकर। तो मैंने ये सब कुछ तो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और साथ ही साथ फिर से हमारा जो एक जो वीडियो मैंने डाला है उसमें भी रिक्वेस्ट आया था, सर आप थोड़ा सा ये कंप्यूटर में जो किस तरीके से कर रहा है थोड़ा सा बता दीजिए, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया है, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। देखिए ये है हमारा सिलेबस, और इसके अंदर ही हम फैशन डिजाइनिंग करेंगे, यानी कि जब पैटर्न मेकिंग करेंगे, 3D जो ड्रेस डिजाइन है वो करेंगे, और वो हम लोगों को बेसिक कुछ सॉफ्टवेयर जानना है, उसके बाद वो आप कहीं से सीखिए, हमारे पास भी वीडियो वगैरह सब कुछ है, मगर उसके बाद हम लोगों को असली जो आज मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में सिखा रहा हूँ, इसी तरह हम फर्स्ट कलर साइंस के ऊपर जाएंगे कंप्यूटर में जितना है, उसके बाद हम जो जो पेंट टूल यूज करेंगे, जो फोटोशॉप यूज करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बहुत आसान लगेगा फ्रेंड। ये है फैशन डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी तरह पार्ट 1 2 करके कलर का वैरायटी टाइप हम दे देंगे सब कुछ कंप्यूटर में। ओके, तो चलिए, तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए ये रहा हमारा जैसे कि RGB और CMYK के जो कलर होता है, तो ये है हमारा तीनों कलर मिक्सिंग करने के, ये 3 टाइप कलर होता है। उसके बाद हमारा जब टर्टियरी जब कलर होगा फ्रेंड, तो उसमें भी सेम तरीका है, आप लोगों को जैसे कि ये कलर और ये कलर मिक्सिंग करके ऐसा हुआ है ना, जो येलो आया है तो रेड थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो ये जो कलर है थोड़ा सा रेडिश भाव आएगा, और ये जो कलर है थोड़ा सा ग्रीनिश आएगा, सेम प्रोसीड्यूर है। इसमें भी CMYK के जितना भी है वही तरीका, इसमें येलो और जो मैजेंटा वो दोनों मिक्सिंग करने से रेड बनता है, तो अगर येलो इसके अंदर दे देंगे, यानी कि टर्टियरी कलर में बोल रहा हूँ फ्रेंड, इसमें आप लोगों को सेकेंडरी कलर तक दिख रहा है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्टियरी कलर जब हम लोग यूज करेंगे उसमें ये कलर थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे और ये कलर थोड़ा सा करेंगे अलग अलग। तो देखिए जो येलो रेड बोल सकते हैं हम, और रेड येलो बोल सकते हैं, और इसमें मैजेंटा रेड बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसी तरह येलो और ये सियान कलर जो है, इस कलर को मिक्सिंग करने से वो ग्रीन आता है, और सियान और ये मैजेंटा कलर मिक्सिंग करने से ये ब्लू आता है, और ये जो तीनों कलर मिक्सिंग करने से ब्लैक होता है फ्रेंड, और ये RGB कलर जो तीनों कलर मिक्सिंग करने से ये व्हाइट हो जाता है। ओके, और इसके बाद फ्रेंड हम लोग सीखेंगे, जैसे कि बहुत कुछ करेंगे, जैसे कि
कलर मिक्सिंग, कलर शेडिंग, कलर टोन, और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में कुछ अलग से ओपासिटी हम लोग यूज़ करते हैं, वो अलग अलग टूल हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि हम लोग जब पेंट करेंगे, जब फोटोशॉप में हम लोग सिखाएंगे, जैसे कि डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन हम सिखाएंगे, तो उस बाद ये सब नॉलेज आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। तो हम अगले वीडियो में दूसरी कोई कलर के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों ने जाना है फ्रेंड, जो हमारा प्राइमरी कलर, जो हम लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं फिजिकली, जो मैनुअली जो करते हैं, वो उसका कलर शेड अलग है। उसमें जो हम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टियरी कलर होता है, और RGB कलर जो कंप्यूटर बेस्ड कलर होता है, और CMYK ये कंप्यूटर बेस्ड कलर होता है। तो इसमें भी इसका जो प्राइमरी जो कलर होता है वो अलग है, CMYK प्राइमरी कलर भी अलग है, और वो कलर मिक्सिंग करने से भी अलग होता है, और RGB कलर मिक्सिंग करने से भी अलग होता है। ठीक है, तो आगे जानेंगे। और एक बात बता दो फ्रेंड, हमारा जो फैशन डिजाइनिंग, जो कंप्यूटर फैशन डिजाइनिंग कोर्स है, तो इसमें आप लोगों को जो सिलेबस आप लोगों ने देखा है, तो वो सिलेबस आप यानी कि उसमें बहुत कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, वो जैसे कि आप लोगों को अरेंज करना है वो सब कुछ। यदि आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसमें आप विजिट कीजिए। और कोर्स के रिलेटेड यानी कि ये कोर्स का तो वीडियो नहीं है, फिर भी बहुत लोग रिक्वेस्ट किया है थोड़ा सा डिटेलिंग, तो इसलिए फ्रेंड इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर जानना है फ्रेंड तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, हमारा एडमिशन का वीडियो है, उसमें फीस वगैरह डिटेलिंग दिया हुआ है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के लिए इतना सही था फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।